हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट सीरीज। और ये वाले जो प्रश्न हैं, पर्टिकुलर कोई किताब में बहुत कम दे रखे हैं। पुराने पेपर देखोगे कुछ आए हैं, कुछ में हैं, कुछ में नहीं है, और कोई इनको पढ़ाता भी नहीं है। पर सीरीज आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका रहेगा इनमें, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पे ऐसा कोई एक क्रम दिया हुआ आता है, उस क्रम को हमें पहचानना पड़ता है कि सीरीज में क्रम क्या चल रहा है, जिससे अगले तीन पद या एक पद आपसे पूछेगा। तो यहां मुझे देखने को समझ में आ रहा है कि शुरुआत में ए बी सी लिखा है, फिर वापस से ए आ गया, तो मतलब सीरीज जो ब्रेक हुई है वो यहां ब्रेक हुई है। ठीक है, तो पहला क्रम तो क्या है भाई, ए बी सी का है। उसके बाद में ए कितनी बार आ गए, दो बार, और बी सी यहां ब्रेक हुई है सीरीज। इसका मतलब पहले तो सिंगल ए बी सी, उसके बाद डबल ए बी सी, उसके बाद जब डबल ए आ चुके हैं ए, तो डबल बी का नंबर आएगा, तो यहां लगेगा ब्रेक, डबल ए डबल बी और फिर सिंगल सी। अब अगली सीरीज में क्या आना चाहिए आप बताओ, डबल तो ए आना चाहिए, डबल बी आना चाहिए, डबल सी, यहां लगाओगे ब्रेक। और ब्रेक लगाने के बाद में अब बताओ, देखो डबल डबल आ चुके हैं, ट्रिपल का नंबर स्टार्ट होएगा किससे, ए से, तो ट्रिपल ए आने चाहिए, डबल बी और डबल सी, यहां लगेगा ब्रेक। इसके बाद में ट्रिपल ए, अब किसका नंबर आएगा बोलो, ट्रिपल तो बी का नंबर आएगा, ट्रिपल बी के लिए दो बी तो लिखे हुए हैं, एक बी मैंने लिख दिया, और साथ में सी कितने आएंगे बताओ, डबल डबल सी आएंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी डबल सी। प्रश्न नंबर दो की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर में ये पूरी सीरीज लिखी हुई है, और इस सीरीज में मुझे क्रम का पता करना है। और क्रम की अगर मैं बात करूं तो यहां से डबल ए बी ए बी सी ऐसा कुछ है। ठीक है भाई, तो यहां आपको सबसे पहले ए पे ही ब्रेक करते हैं। अगर इसको ए पे ब्रेक करोगे यहां से, ठीक है, तो उसके बाद क्या दिखेगा आपको, ए बी, यानी ए बी सी डी के क्रम में ही, बढ़ते क्रम में एक एक अक्षर को बढ़ा के लिख रहा है। तो वापस देखिए, ए फिर ए बी, फिर क्या आएगा, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पर जी के बाद क्या आएगा भाई, एच। तो यहाँ पर क्रम चल रहा है, वापस देख लीजिए, ए फिर ए बी, फिर ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। प्रश्न नंबर तीन, तीन में यहाँ पे हमें इसका पता करना है कि क्या क्रम चल रहा है। तो देखो, ए है, बी है, फिर बी है, तो ए का बी से भी रिलेशन होता है, बी से भी होता है, ठीक है, बी का डी और सी, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट, एकांतर से पता चल रहा है क्रम, ए से बी प्लस वन है, बी से सी प्लस वन है, ठीक है, और यहाँ से भी देखिए ये प्लस वन है, ठीक है, और देखो यहाँ से भी ये क्या है, प्लस वन है, और ऐसे ही अगर आप प्लस वन करते हैं तो आंसर क्या दे के आओगे, एफ। पर बची हुई सीरीज में अल्टरनेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी एक बार पता हमें करना है। तो देखिए, बी से डी प्लस टू है, डी से एफ प्लस टू है, यहाँ से भी देखिए प्लस टू है, यहाँ से भी प्लस टू है, तो आंसर क्या दे के आएंगे इसका, हम एफ दे के आएंगे। तो ये अभी तक तीन प्रश्न मैंने बोर्ड पे कराए हैं। चौथे नंबर पे यहाँ एक तो पी क्यू आर एस लिखा है, एक ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग सीरीज हैं जो आपस में चेक करनी पड़ेंगी आपको क्रम क्या है। तो देखिए, ए पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई, जहाँ जहाँ सीरीज ब्रेक हो सकती थी वहाँ वहाँ मैंने लाइन खींच दी है। ठीक है, अब इनको आपस में मिला के देखना है, कैसे मिलाओगे, पी क्यू आर एस टी यहाँ लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, पी क्यू आर एस, इसका मतलब यहाँ तो है पी क्यू आर एस टी और यहाँ कितना है भाई, पी क्यू आर एस, इसका मतलब एस के बाद जो टी है ना, इसको तो हटा रहा है। ठीक है, अच्छा इससे इसको देख लेते हैं, इससे इसको देखते हैं, तो इस बार कुछ भी नहीं हटा रहा है, इसका मतलब क्रम समझ में आ रहा है कि एक बार तो पीछे वाले अक्षर को हटा रहा है, फिर कुछ भी नहीं हटा रहा है, और अगली बार हटाएगा ही, और हटाने का जो नंबर है वो कौन सा हटना चाहिए, अगली बार एस हटना चाहिए, पीछे वाला अक्षर हट रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर क्या निकालेंगे। चलो ए बी सी डी वाली सीरीज को देखते हैं,
यहां से ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इसका मतलब पहली बार में ए बी सी डी ई को नहीं हटा रहा है, यानी उसमें क्रम था, एक बार हटा रहा था एक बार नहीं हटा रहा था, इसमें एक बार पहली बार ही नहीं हटा रहा है तो अगली बार हटने का नंबर आएगा। तो यहां पर ए बी सी डी ई को फर्स्ट के जैसे ही ऐसे कैसे लिखा है, कुछ भी नहीं हटाए, इसमें हटेगा, और हटेगा कहां से, आगे से या पीछे से, पीछे से, क्योंकि उसमें पीछे से हट रहा है तो यहां भी पीछे से हटेगा, और क्या हटेगा, ई। तो क्या आएगा भैया, ए बी सी डी, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे अगला पूछता तो अपन आगे जाते, पर यहां देखो पी क्यू आर एस टी वाले क्रम को, पी क्यू आर एस टी में से टी हट गया, फिर कुछ नहीं हटा, और इस बार हटने का नंबर किसका है, एस का, तो सीरीज में क्या आना चाहिए भाई, आर आएगा, तो ये सीरीज पूरी बनेगी। अगला जो पद आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। अब बात करते हैं हम फाइव नंबर की, फाइव नंबर में जो सीरीज है इसमें भी आपको पता करना है कि क्या क्रम है, तो क्रम को देख लो, एम एल के जे आई एच जी एफ, यहां सीरीज ब्रेक हो गई, उसके बाद वापस से एम स्टार्ट आ गया, एम एल के जे आई एच जी, सीरीज ब्रेक हो गई, यहां से यहां ब्रेक हुई है देखो, और यहां से आगे देखते हैं कहां ब्रेक होगी। फिलहाल तो इससे इसका क्रम देखते हैं, अगर इससे इसका क्रम देखा जा रहा है तो पीछे से हट रहा है एफ, देखिए इसमें एफ नहीं है, जी तक ही लिखा है, ठीक है, और इससे इसकी बात करें तो पीछे से क्या हट रहा है भाई, जी हट रहा है, ठीक है, और अगर इससे इसकी बात करें, इससे इसकी, तो क्या हटना चाहिए इस बार, एच हटना चाहिए, और एच यहां पे देखिए, यहां पर जो एच है ना, यहां आई और आएगा, यहां पर जो है आई आएगा, एम एल के जे आई एच, तो यहां एच हट गया है तो आई पे ब्रेक आएगा, और इसके बाद में सीरीज इससे अगला पूछता तो क्या हटना चाहिए था, आई को हटना चाहिए था, तो मतलब सीरीज की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, एम से होगी। तो एक बार वापस देख लीजिए, पहले से दूसरे में आ रहे हैं तो आखिरी अक्षर एफ को हटा रहा है, इससे इसमें आ रहे हैं तो जी को हटा रहा है, इससे इससे इसमें आ रहे हैं तो एच को हटा रहा है, और इससे इसमें जाएंगे तो आई को हटाते हुए शुरुआत कहां से होगी, एम से होगी, तो आंसर कितना आएगा अपना, एम आएगा। सिक्स नंबर का एग्जाम्पल इस तरीके से आता है एग्जाम में, यहां पर हमें अगला पद निकालना होगा एबीसीडी के क्रम के अनुसार। तो देखिए कैसे, जे का नंबर 10 पे आता है, एल का आता है 12 पे, तो ये प्लस टू की सीरीज है, ठीक है, एल से अगर एन की बात करते हैं तो ये भी प्लस टू है, एन से अगर पी की बात करते हैं तो ये भी प्लस टू है, और सीरीज में आपको प्लस टू करना पड़ेगा, तो यहां पर आंसर आएगा आर से शुरू, ठीक है। तो पहले पहले अक्षर में जो सीरीज चल रही है वो चल रही है प्लस टू की, आखिरी आखिरी के अक्षर की बात करें तो इन सब में माइनस टू की सीरीज है, देखिए आप, और माइनस टू से क्या आएगा, आर आएगा। इसके बाद में ए से ई को देखना है, ए से ई कैसे आ सकता है, अगर ए से ई की बात करें तो ये प्लस फोर है, ठीक है भाई, ए का नंबर वन पे आता है, ई का फाइव पे आता है, प्लस फोर की सीरीज है, ई से अगर आई की बात करें तो ये भी प्लस फोर है, आई से ओ को देखा जाए तो ये प्लस सिक्स है, ठीक है, तो यहां प्लस फोर वहां प्लस सिक्स, तो अगली सीरीज में भी क्या आना चाहिए, प्लस सिक्स आना चाहिए, और यहां से अगर आप प्लस सिक्स करते हैं तो यू आएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा, आर यू आर। बिल्कुल ऐसे ही ये सेवन नंबर का एग्जाम्पल है, देखिए बी का नंबर टू पे आता है और के का आता है इलेवन पे, तो यहां से सीरीज में प्लस नाइन की सीरीज है, के से अगर टी की बात करते हैं तो ये भी प्लस नाइन है, यहां भी प्लस नाइन करें, टी का नंबर 20 होता है, नाइन अगर ऐड करते हैं तो टोटल आता है 29, 27 पे ए आता है, 28 पे बी आता है, और 29 पे सी आता है, या फिर ऐसे कर लो, टी का 20 और ये 9 टोटल 29, अक्षर टोटल 26 होते हैं, 29 में से 26 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 पे अक्षर क्या आता है, सी आता है, तो स्टार्ट होगा भाई ये सी से। इसके बाद एस से अगर क्यू की बात करें तो प्लस नाइन की सीरीज है, क्यू से अगर जेड को देखा जाए तो भी प्लस नाइन है, जेड पे सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, और यहां अगर आप प्लस नाइन करते हैं तो आएगा आई, नाइन पे अक्षर आता है आई। इसके बाद ई से अगर एन की बात कर रहे हैं तो ये प्लस नाइन की सीरीज है, एन से अगर डब्लू की बात करते हैं तो ये भी प्लस नाइन है, डब्लू में अगर प्लस नाइन किया जाए तो देखो डब्लू का नंबर होता है 23, और 9 अगर ऐड करते हैं तो 32 आता है,
32 में से 26 माइनस करते हैं तो 6 आता है, और 6 पे अक्षर क्या आता है, एफ। तो आपका आंसर आएगा भाई सी एफ आई। सब में जो सीरीज है वो प्लस 9 की सीरीज है। 8 नंबर को देखिए, ए से अगर बी को देखा जाए तो ये प्लस 1 की सीरीज, बी से अगर डी को देख रहे हैं तो ये प्लस 2 है, सीरीज में करना पड़ेगा प्लस 3। डी का नंबर 4 पे आता है, 3 ऐड करोगे 7, और 7 पे अक्षर आता है जी, और यहां से सीरीज में है ये प्लस 4। इसके बाद बी से डी प्लस 2 है, यहां से प्लस 2 है, यहां से प्लस 2 करें तो जे, और यहां से प्लस 2 करें तो एल। इसके बाद वाई से अगर वी की बात करें तो ये माइनस 3 है, y का नंबर 25 होता है, v का 23 होता है, 22 होता है, तो 25 22 माइनस 3 का अंतर है, और यहां से भी माइनस 4 हो गया क्योंकि v का नंबर 22 पे और ये 18 पे माइनस 4। यहां सीरीज में मुझे करना है माइनस 5, r का नंबर 18 पे आता है, माइनस 5 करोगे तो 13 आएगा, और 13 पे अक्षर आता है m, और यहां से सीरीज में माइनस 6 है। तो आंसर क्या देके आओगे आप, जी एम जे। 9 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें अगला पद आपसे पूछा गया है, साथ में नंबर भी लिखे हुए हैं, अल्फाबेट सीरीज के साथ में यहां से नंबर सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, और ऐसे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं आजकल जब अल्फाबेट सीरीज के साथ में नंबर सीरीज आती है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जेड से डब्लू की बात करें, जेड का नंबर 26 है, ये 23 है, माइनस 3 की सीरीज है, यहां से भी माइनस 3 है, टी से क्यू माइनस 3 है, सीरीज में माइनस 3 करेंगे तो आएगा एन। ठीक, क्यू का नंबर 17 है, माइनस 3 करें तो कितना आएगा एन। यहां से देखा जाए तो ये प्लस 3 है, ए का नंबर 1 पे आता है और डी का नंबर 4 पे आता है, प्लस 3 की सीरीज है, यहां से भी प्लस 3 है, यहां से भी प्लस 3 है, और यहां से अगर आप प्लस 3 करते हैं तो आता है m। अब नंबर सीरीज की बात करें, आपको देखना है 3 से 5 कैसे आया उसी क्रम में, 5 से 8 कैसे आएगा, 12 उसी क्रम में उत्तर, कोई सीरीज बननी चाहिए, नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। 3 से 5 का जो क्रम है ये 2 ज्यादा है, ठीक है, 5 से अगर 8 की बात करते हैं तो ये 3 ज्यादा है, और यहां से देखा जाए तो ये प्लस 4 है, और यहां से प्लस 5 आएगा, 12 में अगर प्लस 5 करते हैं तो 17 आता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, एन 17 m। 10 नंबर का एग्जांपल है, यहां नंबर सीरीज ऊपर है, अल्फाबेट सीरीज नीचे, क्रम के अनुसार आपको अगला पद इसमें निकालना है, कैसे देखिए, यहां से देखा जाए प्लस 2 है, यहां से सीरीज में प्लस 2 है, यहां से प्लस 4 है, और यहां से भी प्लस 4 है, यहां प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4। अब यहां सीरीज में प्लस 6 भी हो सकता है, प्लस 8 भी हो सकता है, अगर दो दो के हिसाब से बढ़ोगे तो प्लस 6 की सीरीज आएगी, और डबल के हिसाब से देखते हैं तो प्लस 8 की सीरीज आएगी, ठीक है, पर यहां मैं इसको प्लस 6 के हिसाब से सॉल्व करता हूं, और वैसे भी देखो एग्जाम में ऑप्शन बताएगा आपको कि प्लस 6 लेना है या आपको प्लस 8 लेना है, फिलहाल मैं प्लस 6 से सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पर आएगा 19। इसके बाद R से अगर O को देखते हैं तो ये माइनस 3 है, O से अगर K को देखते हैं तो ये माइनस 4 है, ये माइनस 5 है, और ये माइनस 6 है। अब एक बेसिक और समझाना चाहता हूं, ध्यान देना है, A में से अगर माइनस 1 करते हैं तो हमेशा याद रखना है जेड आता है, ठीक है, और अगर D में से आपसे कहा जाए माइनस 4 करिए तो भी क्या आएगा, Z आएगा, और अगर आपसे कहा जाए F में से माइनस 6 करिए तो भी Z आएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि जो भी अक्षर का नंबर है उसमें से उतने ही नंबर अगर माइनस किए जाएं तो वापस से Z आता है, जैसे कि यहां F का नंबर 6 पे था, ठीक है, यहां माइनस 6 किया, F में से माइनस 6 करोगे तो क्या आ जाएगा, Z, और Z में से सीरीज में माइनस 7 का नंबर है, जेड का नंबर 26 पे होता है, माइनस 7 करोगे तो आएगा 19, और 19 पे जो अक्षर आता है वो क्या आता है भाई, एस। तो आंसर क्या देके आओगे एग्जाम में, 19 अपॉन एस। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, नंबर सीरीज ऊपर है, अल्फाबेट सीरीज नीचे, यहां 4 से अगर 11 की बात करते हैं तो प्लस 7 है, ठीक है,
यहाँ से आया भैया प्लस 14, यहाँ से है 21 और यहाँ से 28, तो आएगा 74। अब ध्यान दीजिए, ये है -3, ये है -6, ये है -9 और आपको कितना करना है -12 करना है, ठीक है। अब h में से -12 करना है, यानी x का नंबर कितने बताए भाई 8 पे। अब मैं तरीका सिखाता हूँ आपको, आजकल इस तरह की सीरीज एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। h का नंबर आता है 8 पे और 12 घटाने मुझे, यानी अक्षर है कम और घटाए जाएं ज़्यादा, तो कैसे सॉल्व करोगे आज के बाद, तरीका सीख लो। अंतर निकालना है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है 4 का। उस अंतर को हमेशा 26 में से घटाना, 26 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 22 आएगा, और 22 पे जो अक्षर आता है वो क्या आता है वी आता है, तो अपना आंसर आएगा 74/V। 12 नंबर का एग्जांपल है, यहां अल्फाबेट सीरीज के साथ में नंबर सीरीज भी है ना, तो देखिए यहां से है प्लस टू और प्लस टू किया जाए तो कितना आएगा वाई आएगा, ठीक है। यहां आखिरी में देखा जाए तो देखिए भैया -1 है, ये भी -1 है, -1 है, -1 है, तो यहां से आएगा वी। अब ये नंबर सीरीज है, ध्यान देना है, आपको देखना है कि 1 से 2 कैसे ला सकते हैं, 2 से 6 कैसे ला सकते हैं, उसी क्रम में 21 कैसे ला सकते हैं और उसी क्रम में आंसर कैसे ला सकते हैं। ये नंबर सीरीज है, 1 से 2 जैसे आएगा 2 से 6 आना चाहिए, 6 से 21 उसी क्रम में आंसर आना चाहिए, ये आपको पता करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 1 का गुणा अगर 1 से करें और 1 ही जोड़ें तो आता है 2। सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 से गुणा करके 2 जोड़े जाएं तो आएगा कितना 6, 3 से गुणा करके 3 जोड़े जाएं तो आएगा 21 और सीरीज में 4 से गुणा करके 4 जोड़े जाएं तो आएगा 88। तो अपना आंसर आएगा Y88B। 13 नंबर का एग्जांपल है बोर्ड पे, देखिए इसमें R से अगर O की बात करते हैं तो यहाँ -3 है, यहाँ से भी देखा जाए तो भी -3 है, ये भी -3 है और -3 किए जाए तो यहाँ से आएगा F। ऐसे अगर देखा जाए U को तो ये +2 है, यहाँ से भी देखिए भाई +2 है, यहाँ से भी +2 है और Y में अगर +2 करते हैं तो आता है A। अब ये नंबर सीरीज है, आपको देखना है 1 से 2 कैसे आएगा, उसी क्रम में 5, उसी क्रम में 16 और उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा, ये पता करना है। तो यहाँ देखिए भाई 1 का 1 से गुणा करके 1 जोड़े जाएं तो कितने आते हैं 2 आते हैं, 2 का 2 से गुणा करके 1 जोड़े जाएं तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 से 16 चाहिए, 3 से गुणा करके 1 जोड़ोगे तो आएगा 16 और देखिए 4 से गुणा करके 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 65, तो आंसर आएगा 65AF। 14 नंबर का एग्जांपल है, देखिए बी से डी की बात करें तो ये +2 है, डी से जी देखिए भाई +3 है, ये +4 है और अब सीरीज में कितना करना है आपको +5 करना है, ठीक है। तो क्या आएगा भाई पी आएगा, यहाँ से देखिए M से L की बात करें तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और यहाँ -4 करेंगे तो आएगा C। अब आपको देखना है यहाँ सीरीज में अगला पद क्या आएगा, तो यहाँ क्रम जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 2 संख्याओं का योग अगली संख्या, कैसे 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आता है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आएगा और 1 में 2 जोड़ोगे तो उत्तर 3 आएगा, यानी 2 संख्याओं का योग अगली संख्या, कैसे 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2 और 1 में 2 जोड़ा तो उत्तर 3। यहां 15 नंबर का एग्जांपल है देखिए, और ये विपरीत क्रम पे आधारित है, जेड का उल्टा ए होता है, ए का उल्टा जेड होता है, बॉय कोरेक्स विपरीत क्रम पे आधारित है, ये जेड का उल्टा ए, वाई का बी,
एक्स का सी। एक और तरीका है, किसी भी अक्षर का उल्टा नंबर निकालने के लिए उस अक्षर का नंबर 27 में से घटा के उल्टा क्रम निकाला जा सकता है। कैसे? जेड का नंबर 26 होता है, 27 में से 26 घटाएंगे तो एक, और एक पे क्या आता है, ए आता है। वाई, वाई का नंबर होता है 25, 27 में से 25 घटाओगे तो दो, और दो पे क्या आता है, वी। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, विपरीत क्रम है ये। यहाँ से जी टी, हनी सिंह और इंडियन रेलवे, तो अपना आंसर आएगा डी एस आई।